दोस्तों, एक क्राउन जिसमें 105 कैरेट का एक ऐसा हीरा जड़ा है और जिसका इतिहास भारत की जमीन से जुड़ा है और उसकी कीमत इतनी है कि जिसका सही सही अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका है। क्राउन में वैसे तो 2800 बेशकीमती पत्थर और भी जड़े हुए हैं, लेकिन उस एक अकेले हीरे की चमक क्राउन के बाकी सभी हीरों को फीका कर देती है। इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया जाता है कि जितनी कीमत पूरे ताज की है उससे ज्यादा की कीमत उस एक अकेले हीरे की है। भाई, अब जिस हीरे की जड़ भारत से जुड़ी होगी वो भला साधारण कैसे हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के बेशकीमती हीरे कोहिनूर की, और इस बार ये हीरा भारत देश वापस लाने की बात हो रही है। बताएंगे आपको कि क्या है पूरा मामला, क्यों इस बार ब्रिटेन के किंग और क्वीन की क्राउन सेरेमनी से ये कोहिनूर हीरा गायब था, क्या इसमें ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की कोई नई चाल है, या फिर वो डर गए हैं कि कहीं भारत से चुराया हुआ ये हीरा अब उन्हें भारत को लौटाना ना पड़ जाए। दोस्तों, हाल ही में ब्रिटेन के नए महाराज किंग चार्ल्स की ताजपेशी 6 मई को हुई। इसी के साथ किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला को ब्रिटेन की महारानी डिक्लेयर किया गया। किंग चार्ल्स की क्राउन सेरेमनी में एक नया इतिहास लिखा गया। इस बार कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले 100 साल से चली आ रही क्वीन की क्राउन सेरेमनी में मेन रिचुअल्स को ही बदल दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि जब भी क्वीन को ताज पहनाया जाता था तो उस ताज की शान भारत देश का कोहिनूर हीरा बढ़ाया करता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि कोहिनूर हीरा ताज से गायब था। 6 मई को हुई क्राउन सेरेमनी में क्वीन कैमिला को जो क्राउन पहनाया गया वो 1911 की क्वीन मैरी का क्राउन है। फेमस न्यूज़पेपर द गार्जियन की माने तो 18वीं सेंचुरी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी क्वीन का ताज दोबारा यूज किया जा रहा हो। ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने यह फैसला लिया था कि इस पूरी सेरेमनी से कोहिनूर हीरे को गायब रखा जाएगा। ये दोस्तों काफी हैरानी की बात थी, आखिर क्यों, जब आज तक क्राउन सेरेमनी में सिर्फ कोहिनूर जड़ा क्राउन ही क्वीन को पहनाया जाता था, तो अब ऐसा क्या हुआ जो इस क्राउन को इस बार यूज नहीं किया गया। बस फिर क्या था, ब्रिटिश मीडिया की नजर में आते ही इस खबर ने खलबली मचा दी। ब्रिटिश मीडिया की माने तो उनका कहना है कि आने वाले समय में इंडिया अपनी पावरफुल डिप्लोमेट्स को यूज करके ब्रिटेन सरकार पर दबाव बनाएगा और कोहिनूर ताज को वापस ले लेगा। इतना ही नहीं, उनके न्यूज़पेपर ये दावा कर रहे हैं कि भारत सिर्फ कोहिनूर के लिए ही नहीं बल्कि और भी दूसरी चीजों के लिए दबाव बना सकता है। बात जब उठी है दोस्तों, तो आपको बता दें कि ब्रिटिश एम्पायर ने कई देशों पर राज किया है। ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत को जहां से जो कीमती चीज मिलती थी वो उसे अपने देश ले जाकर या तो म्यूजियम में रख लेते थे या फिर उन प्रीशियस स्टोन्स और आर्टिफैक्ट से अपने महलों में रौनक बढ़ाया करते थे। ऐसे में उन्होंने न केवल इंडिया से बल्कि कई यूरोपियन कंट्रीज से और देशों से कई चीजों को लूट लूट कर अपना घर सजाया है। कई ब्रिटिश कॉमेडियन खुद ब्रिटेन के म्यूजियम को एक्टिव क्राइम सीन स्पॉट बताते हुए नजर आते हैं। The entire British Museum is basically an active crime scene. जी हाँ, जैसे कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया कि ब्रिटिशर्स न केवल भारत बल्कि कई और देशों से भी काफी कुछ लूटकर अपने देश ले गए हैं। रोजेटा स्टोन जैसी कीमती स्टोन को भी ब्रिटिश इजिप्ट से ले गया था। आपको बता दें कि रोजेटा स्टोन और इजिप्ट का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराने समय से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह ग्रीस भी यूके से अपने बेशकीमती पत्थरों और आर्टिफैक्ट्स जैसे एल्गिन मार्बल्स को मांगता रहा है जो ब्रिटिशर्स चुरा कर ले गए थे, और आज वो ब्रिटेन के म्यूजियम की रौनक बढ़ा रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन बहुत चालाक है दोस्तों, वो जानता है कि वो ग्रीस और इजिप्ट जैसे देशों की डिमांड को इग्नोर कर सकता है, लेकिन भारत ने अगर एक बार उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो शायद वो इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, और ऐसे में उस पर बढ़ते हुए दबाव के चलते उसके हाथ से कोहिनूर जैसा बेशकीमती हीरा निकल भी सकता है। दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि दिनों दिन ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में सुधार आ रहा है, और ऐसे में ये सेरेमनी पूरी दुनिया के फेमस लोगों के बीच होने वाली थी जिसमें भारत के कुछ लोग भी शामिल थे। इस सेरेमनी में अगर कहीं कोहिनूर दिख जाता तो एक बार ये मुद्दा बन सकता था। शायद इसलिए ब्रिटिश सरकार ने बहाने से कोहिनूर को इस क्राउन सेरेमनी का हिस्सा ही नहीं बनने दिया। भारत कोहिनूर हीरे पर शुरू से ही अपने होने का दावा करता रहा है, और इन्हीं सब रीजंस के चलते ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने पूरी सेरेमनी के दौरान कोहिनूर को गायब ही रखा। अब कोहिनूर की इतनी बात हो ही रही है दोस्तों, तो कोहिनूर के बारे में थोड़ा जानना भी जरूरी है कि आखिर कैसे इस बेशकीमती हीरे की जड़ें देश के साथ जुड़ी हैं। और इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में बताएंगे कि कैसे इस कोहिनूर को कर्स ऑफ कोहिनूर भी कहा जाता है। दोस्तों, कोहिनूर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। कोहिनूर कई देशों का सफर करते हुए कई राजा महाराजाओं के हाथों से होते हुए आज लंदन के टावर में मौजूद है। कोहिनूर हीरे को लेकर काफी सारी थ्योरीज हैं जो समय समय पर सामने आती रही हैं। कोहिनूर को लेकर ब्रिटिशर्स के समय एक सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, थियो मेटकाल्फ,
उनकी माने तो ये कृष्ण भगवान के समय में सबसे पहले देखा गया था। लेकिन जिस थ्योरी को आर्कियोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा मानते हैं वो ये है कि इसे कोल्लूर का खदानों से निकाला गया था जो गोलकुंडा में मौजूद है। तब यह काकतीय राजवंश के शासन के अधीन था, तो ये कहना कि सबसे पहले कोहिनूर काकतीय राजवंश के समय पाया गया था तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन रिटन टेक्स्ट की बात करें तो इसका मेंशन बाबरनामा में देखने को मिलता है। जहीरुद्दीन बाबर ने अपनी किताब में कोहिनूर के बारे में लिखा है कि इसकी कीमत उतनी है जितनी आधी दुनिया एक दिन में खर्च करती है। इसके बाद 1628 में कोहिनूर का एक और बड़ा मेंशन देखने को मिलता है, वो भी तब जब शाहजहां अपने लिए पीकॉक थ्रोन बनवा रहे थे। आपको शायद पता ना हो दोस्तों, लेकिन इस पीकॉक थ्रोन की कीमत ताजमहल से 4 गुना थी और इसको बनाने में 7 साल लगे थे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यही वो समय था जब दिल्ली पर सबका ध्यान हुआ करता था और दिल्ली में ही मुगल कमजोर होते जा रहे थे। बस फिर क्या था, इस बात का फायदा नादिर शाह ने अच्छे से उठाया। 1739 में पर्शियन किंग नादिर शाह भारत आता है और सुल्तान मोहम्मद को हराता है, और वो कोई और नहीं बल्कि नादिर शाह ही था जिसने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा था, जिसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट। जी हाँ, 1747 में राजनीतिक लड़ाई के चलते नादिर शाह की हत्या कर दी गई और इस बेशकीमती कोहिनूर को जनरल अहमद शाह दुर्रानी ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर अहमद शाह दुर्रानी के वंशज शाह शुजा दुर्रानी कोहिनूर को 1813 में वापस भारत लेकर आए। फिर आखिर में शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर को सिख समुदाय के संस्थापक राजा रंजीत सिंह को सौंप दिया जाता है। इस बेशकीमती तोहफे के बदले में राजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा दुर्रानी को अफगानिस्तान से लड़ने एवं राजगद्दी वापस लाने में मदद की। 1839 में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ एक जानने वाली बात ये भी है दोस्तों कि राजा रंजीत सिंह इस हीरे को हिंदू धर्म के पुजारियों के उत्थान के लिए दान में देना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की वजह से ऐसा ना हो सका। इसके 10 साल बाद 29 मार्च 1849 को सेकेंड एंग्लो इंडियन वॉर के बाद सिख रूल पूरी तरह खत्म हो जाता है। लेकिन इस समय तक राजा रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह 10 साल के हो चुके थे और उनसे EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रीटी साइन करवाई जिसके तहत वो दिलीप सिंह से ये हीरा रानी विक्टोरिया को सरेंडर करवा लेते हैं। इसके बदले 1954 में दिलीप सिंह को पंजाब से लंदन भेज दिया जाता है और वहां उनका रिलीजन भी चेंज करवा दिया जाता है। तो इस तरह धोखे से पिछले 170 से ज्यादा सालों से ये हीरा बेशकीमती ब्रिटिश हुकूमत के सिर का ताज बनते हुए आ रहा है। महारानी विक्टोरिया के अंडर इस कोहिनूर को क्रिस्टल पैलेस में एग्जीबिशन के लिए रखा गया था। बताया जाता है कि इस समय इसका वजन 186 कैरेट था, लेकिन यह किसी वजह से अपनी चमक खो चुका था। महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट हीरे की फीकी चमक देखकर बहुत ज्यादा निराश हुए। इसके बाद 1852 में इसे डच के जेम आर्टिस्ट मिस्टर कैंटोर को दिया गया जिसने इसे काट कर 105.6 कैरेट का कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद आपसे ये चीज शेयर करना बहुत जरूरी होता है कि जो इस कोहिनूर से जुड़ी है वो ये है कि ऐसा बताया जाता है कि ये कोहिनूर जिसके पास भी रहा है उसका बुरा समय भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कोहिनूर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये हीरा जिसके पास होगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा, लेकिन पूरी दुनिया का दुर्भाग्य भी उस इंसान का हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे ये कोहिनूर जिस जिस का हुआ है उसकी जिंदगी धोखे और खून खराबे से भरी रही है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना इसे रानियों के ताज बढ़ाने के लिए यूज किया जाए। तब से क्राउन सेरेमनी में कोहिनूर को ताज की शान बढ़ाते हुए देखा जा सकता था। आपको बता दें कि साल 2002 में आखिरी बार कोहिनूर को पब्लिकली देखा गया था। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी शायद इस साल क्राउन सेरेमनी में इस हीरे को एक बार फिर से देखा जा सके, लेकिन ब्रिटिश सरकार कुछ ज्यादा ही होशियार निकली क्योंकि वो जानती है कि भारत इसकी मांग काफी लंबे समय से करता आ रहा है और अगर ऐसे में वो इसे पब्लिकली लाएंगे तो भारत की तरफ से दबाव बढ़ भी सकता है। आपकी क्या राय है इसमें, क्या कोहिनूर को भारत वापस लाया जाना चाहिए और अगर लाया जाना चाहिए तो इसे कहां रखा जाएगा? क्या सच में कोहिनूर भारत को अर्श पर ले जाएगा या फिर फर्श पर ले आएगा? हमें कॉमेंट में जरूर बताएं कि आप सच में कोहिनूर को भारत में चाहते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।